दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में इसी स्क्रिप्ट को दिखाया था आपके लिए। इस पे आप बैकग्राउंड पे वीडियो का लिंक बैठा सकते थे और इस पे ऐड लगा के पैसे भी कमा सकते हैं। तो इस पे और इस स्क्रिप्ट को और भी प्रो बनाने के लिए आपको इसमें बैकग्राउंड पे एक म्यूजिक देंगे तो और भी अच्छा दिखेगा। तो कैसे म्यूजिक देते हैं तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। आप किसी भी स्क्रिप्ट पे दे सकते हैं, वो करने के लिए जो भी चाहिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आगे देखते रहिए। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट इट। इस स्क्रिप्ट के पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक देने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का नाम है ऑडासिटी। आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर। तो इसी सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी फाइल को, कोई भी म्यूजिक को एडिट कर सकते हैं। फाइल नहीं, सॉरी, म्यूजिक को। आप गूगल से कोई भी म्यूजिक डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसी म्यूजिक को डाउनलोड किया हूँ। आप देख सकते हैं म्यूजिक को, सुन, इसी म्यूजिक को आप कैसे लगा सकते हो। इसी म्यूजिक को लगाने के लिए आप इस सॉफ्टवेयर को छोटे कर लीजिए। उसके बाद इसी म्यूजिक को सिंपल सा ड्रैग करके यहाँ पे ले आइए। तो इसी म्यूजिक को आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो बहुत बड़ा म्यूजिक और ज़्यादा तेज़ में चलेगा, और ज़्यादा तेज़ होगा तो आपके वेबसाइट में जो भी आएगा वो परेशान हो जाएगा और स्क्रिप्ट एग्जिट कर लेगा। तो आपको क्या चाहिए, इस वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा एंगेजिंग चाहिए। उसके लिए आपको इसी साउंड को कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए आप ऊपर में साइड में जो इफ़ेक्ट का ऑप्शन है इस पे जाइए। इसी सॉफ्टवेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप एम्पलीफाई पे क्लिक करिए, उसके बाद इसको कम कर लीजिए। जो भी कम करेंगे तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। और भी कम चाहिए, उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ -25 ही रखिए। उससे ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा तेज़ होगा और बैड इम्प्रेशन पड़ेगा। देख सकते हैं ये म्यूज़िक, सुन सकते हैं। तो आपको यही चाहिए। इसको करने के लिए ओके पे क्लिक करिए। बस काम हो गया है। तो आपको एक कोड की ज़रूरत पड़ेगा। कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरा वेबसाइट का लिंक। इस कोड में आपको तीनों फॉर्मेट में चाहिए, .mp3 फॉर्मेट, .wav और .ogg, सॉरी ये डॉट देना भूल गया। तो ये चाहिए तीनों फॉर्मेट। ये करने के लिए आप इस सॉफ्टवेयर पे ही कर पाएंगे। उसके लिए आप फाइल पे जाइए और इस पे एक्सपोर्ट ऑडियो, इस पे क्लिक करिए। बस आप जहाँ पे रखना चाहते हैं, मैं डेस्कटॉप पे ही रखूँगा। पहले आपको MP3 फॉर्मेट पे चाहिए तो आप MP3 का फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे इस सब मत छोड़िए, आप सेव पे क्लिक करिए और ओके पे क्लिक करिए। एक्सपोर्ट हो रहा है MP3 फॉर्मेट पे। तो उसके बाद आप इसी सॉफ्टवेयर में और भी दो फॉर्मेट चाहिए, WAV फॉर्मेट। एक ही चीज़ करिए, एक्सपोर्ट पे जाइए और WAV सिलेक्ट करिए। आपको दो भी फॉर्मेट दिखेगा। आपको आप 32 bit रखिए और सेव पे क्लिक करिए और ओके करिए। ये हो रहा है, हो गया है। उसके बाद फाइल पे जाइए, फिर एक फॉर्मेट लगेगा आपको, वो फॉर्मेट है OGG फॉर्मेट। आप देख सकते हैं, बड़ा करके दिखाता हूँ, OGG, और सेव पे क्लिक करिए और ओके पे क्लिक करिए। हो रहा है, तीनों फॉर्मेट पे आ गया है, देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस पे मैं, सॉरी, डेस्कटॉप पे ये तीनों फॉर्मेट मैंने जो फॉर्मेट पे किया हूँ इस पे आपको दिखेगा, देख सकते हैं। इसी तीनों फॉर्मेट को आपको एक फाइल स्टोरेज में अपलोड करना पड़ेगा, वो है मीडिया फायर।
इस पे आप साइन अप कर लीजिए, नया यूज़र है तो। मैं एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ इसलिए इस पे जाइए, और जो भी फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं इस पे जाइए, छोटे करिए और सिंपल सा ये ड्रैग करके यहाँ पे ले आइए और आके छोड़ दीजिए, वो फाइल अपलोड हो जाएगा। मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ आपको ज़्यादा तेज़ दिखाने के लिए, तो इसी फाइल को ऐसा दिखेगा अपलोड करने के बाद। आप इस पे जो भी फाइल अपलोड होगा इस पे क्लिक करिए, ये खोल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों इस पे ये जो डाउनलोड का जो ऑप्शन है इस पे जाइए, राइट क्लिक करिए और कॉपी लिंक एड्रेस इस पे क्लिक करिए, और आपके जो स्क्रिप्ट है मैंने दिया था उस स्क्रिप्ट पे आएंगे, आने के बाद जो यूआरएल है इसको सिलेक्ट करिए बस, और कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर दीजिए, आ गया है। और आगे जो MP3 का ये है ये चीज़ एक ही होना चाहिए तो ऐसे आएगा। उसके बाद दूसरे जो हैं OGG फॉर्मेट, इस पे आएंगे और सेम चीज़ इसके ऊपर ले जाके कॉपी लिंक एड्रेस इस पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर को ले जाके उसके बाद कॉपी लिंक एड्रेस करिए, और ये आ गया है और OGG फॉर्मेट पे, इसको कॉपी URL को कॉपी करिए और कंट्रोल वी बैठा दीजिए बस, देख सकते हैं ये आ गया है, दो चीज़ है। और WAV फॉर्मेट, इसको करने के लिए सेम चीज़ है, तो उसके बाद डाउनलोड पे ले जाके कॉपी लिंक एड्रेस कर दीजिए, उसके बाद इस पे आइए, सेम चीज़ ये पूरा चीज़ कॉपी करिए URL ने और कंट्रोल वी बैठा दीजिए, देख सकते हैं, और कंट्रोल सेव क्लिक करिए, और सारे चीज़ जो कंट्रोल ए दबा के ऑल कॉपी ऑल सिलेक्ट करिए, उसके बाद कंट्रोल सी दबा के पूरा कॉपी करिए और इसको क्लोज कर दीजिए, इसका कोई भी काम नहीं। उसके बाद आप इस पे कॉपी करिए और जो स्क्रिप्ट मैंने दिया था जो फाइल जो krishna.php इसको एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस इस पे जाइए और एडिट करिए, जिसके नीचे आप लिखना चाहते हैं देना चाहते हैं म्यूज़िक को, विशिंग यू, इसके नीचे आप करना चाहते हैं विशिंग यू को, आप कंट्रोल ए दबा के फाइंड करिए, ये जो नीचे है विशिंग यू, आप इमेज के नीचे भी दे सकते हैं, ये जो इमेज है इसके नीचे भी दे सकते हैं, कंट्रोल वी दबा दीजिए और आपके कोड कॉपी हो गया है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, सारे चीज़ कॉपी करिए कंट्रोल एस दबा के सेव करिए और कंट्रोल ए करके कॉपी करिए। उसके बाद आपके जो होस्टिंग पे सी पैनल है इस पे जाइए और HT डॉक्स जिस पे आप फाइल अपलोड किए हो इस पे क्लिक करिए, और जो इस पे krishna.php इसको एडिट पे क्लिक करिए, एडिट पैनल खुल गया है, सारे चीज़ कंट्रोल ए दबा दीजिए, डिलीट करिए कंट्रोल वी करके पेस्ट करिए और कंट्रोल एस दबा दीजिए और इस पे सेव करिए बस, सेव हो गया है। उसके बाद आप इस स्क्रिप्ट को रिफ्रेश करिए, तो दोस्तों आपके सामने वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहा हूँ, और इस पहले आपका नाम दे दीजिए जो भी देना है, टैप के खुल रहा हो, देख सकते हैं ऑडियो प्ले हो रहा है,
कितने सुंदर लग रहा है। आप स्क्रिप्ट को जब खुलेंगे आपके वेबसाइट, जो भी लोग खुलेगा ये म्यूजिक सुन पाएगा, देख सकते हैं। ऐसे तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बीकॉम डेवलपर को। तो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, एंड गुड बाय।